साधना में काल के हमले से बचने का तरीका अपने सत्संग में बताने वाले, अंतरात्मा की सफाई करने वाले जिनकी असली पहचान अंतर में होती है, सतलोक तक की गति वाले यानी वहां बार बार आने जाने वाले मनुष्य शरीर में आए हुए समय के युग पुरुष पूरे समर्थ संत गुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 21 फरवरी 2020 प्रातः लखनऊ में बताया कि साधना में जैसे ही यह जीवात्मा निकलकर ऊपर बढ़ती है वैसे ही हमला शुरू हो जाता है। रिद्धि सिद्धि कामधेनु कल्पवृक्ष अरुणा गरिमा महिमा लघुमा आदि सिद्धियां आकर खड़ी हो जाती हैं कि रुपया पैसा धन मान प्रतिष्ठा ले लो, मुर्दे को छुओगे तो वह भी जिंदा हो जाएगा, लेकिन लौट जाओ अब जो उसमें फंस गया ले लिया वह आगे नहीं बढ़ पाता है। सत्संग इसलिए सुनाते हैं कि छोटी चीजों में मत फंसो, बार बार अंतरात्मा गंदा करोगे तो बार बार सफाई कौन करेगा। संत महात्मा महापुरुष मनुष्य शरीर में ही आते हैं, संत गति सतलोक तक पहुंचने वाली ही मानी जाती है। नट बोल्ट जो लगा रहता हो दिख जाता है, तो जब ये चक्र रुकते हैं तब उनका दर्शन हो जाता है। तो बहुत समय इसमें निकल गया, आने समय लोग दसों दसार हजार वर्ष की उम्र लोगों की खत्म हो गई और आगे नहीं बढ़ पाए। अब जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ है तब उन्होंने आगे का रास्ता खोला। 16 सूत्रों में से एक जोगजीत हैं, जोगजीत तो जोगजीत सबसे पहले आए, भेजे गए कि जाओ तुम सतलोक का रास्ता तो खोलो। पहले भी थे, महात्मा थे, जो थोड़ी भी रसाई चढ़ाई वाले थे लोग उन्हीं को संत मान लिए, लेकिन संत गति अरे सतलोक तक पहुंचने वाले की ही मानी जाती है। तो उन्होंने वहां का भेद खोला, अब भेद खोल करके फिर निकल गए और रास्ता जब जारी कर दिया, जब पानी का बहाव चालू हो गया, जैसे अरे समझ लो कि कोई नहर खोद दी गई, पानी उसमें भर दिया गया, तो उसी से छोटी छोटी नहरें अन्य लोग निकाल लेते हैं अपने खेत की सिंचाई का।